मैं आप सब मीडिया वाले को बहुत धन्यवाद हूँ सर, बहुत धन्यवाद। सर इसमें और कौन कौन आपके फैमिली का मेंबर पॉजिटिव है? सर इसमें इसमें मेरी बड़ी बेटी वो पॉजिटिव है, मेरी वाइफ वो पॉजिटिव है, मेरा बेटा वो पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे फादर मम्मी मेरे नेगेटिव है, छोटी बेटी मेरी नेगेटिव है। सर आपसे आपसे एक सवाल रहेगा, जब आपको पता लगा कि आपके फैमिली में ये सब लोग पॉजिटिव है, आपके फादर भी पॉजिटिव थे और आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रही आप हॉस्पिटल के बीच में आए, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन भी ये दावे कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है जम्मू कश्मीर के बीच में, क्या लगता है आपको कि कंफ्यूजन रही थी उस समय या किसी ने आपको सही तरीके से वहां पर गाइड नहीं किया और एंटरटेन? बेसिकली मैं खुद, मेरा पूरा खानदान मेडिकल डिपार्टमेंट से है जी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हुई कि मेरे फादर हमेशा 4-5 साल से उनको तकलीफ रहती है जी, जब भी उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है मैं उनको हंसता लेके आता हूँ। तो पिछले 5 साल से ये मैं तकलीफ दे रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो डॉक्टर लोग हैं या जो लोग काम करने वाले हैं, वो प्रॉपर ढंग से ट्रीट नहीं करते पेशेंट को, ऐसे जैसे कसाई की तरह बिहेव करते हैं। ये हकीकत है, ये आप लोग भी अच्छे से जानते हो, मीडिया भी अच्छे से जानती है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे इस बात का पता चला, मैंने अपने फादर को, आप बिलीव करोगे, बिल्कुल फिट हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम, मुझे टचवुड लगता ही नहीं कि मुझे, मैं पॉजिटिव हूँ, मैंने अपने आप को इतना एथ्रोमाइसिन डॉक्सी क्या क्या विटामिन सी जिंक सब हमने पूरा रखा, मैं अपनी माँ के पाँव दो के पीऊँगा। आज हम 4 बंदे जो बचे ना, मेरी माँ की बदौलत, टाइम पे खाना, टाइम पे स्टीम, सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये रहा कि जब मुझे ये लगा कि मुझे हॉस्पिटल जाके अपने फादर को बचाना, मैं पहुँचा, मेरा फादर मुझसे बात करता करता आया, हंसता आया, और जब वहाँ पहुँचा उस औरत ने जो डॉक्टर नहीं वहाँ पे बैठी है, बुरका बुरका ढक के बैठी है, इनको तो मैं बख्शूंगा नहीं, मैं तो घोरल साहब को सीधा बोलूँगा, घोरल साहब अगर आपको अपनी सियासत में कोई बंदा चाहिए ना जो काम करने वाला, खड़ा करो एक बार मुझे, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लोगों को सेट करना है। क्या डॉक्टर्स द्वारा प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया गया वहाँ पर? सर डॉक्टर के ऐसे पेशेंट रिस्पांस, मतलब वो लोग जैसे कि अपने सिर से भला को टाल रहे थे, मतलब मुझे ये भी मुझे फील नहीं हुआ हकीकत में। सर मुझे एक चीज बताओ, आप मीडिया वाले हो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कुछ आपको कोई न्यूज मिलती है, क्या आप वहां दौड़ते हो? नहीं, आप जाते हो? नहीं जाते। कोई मर गया कुछ, आप उसको कैप्चर करते हो? नहीं करते। दुनिया तक बात पहुंचाते नहीं, क्योंकि आप अपना फर्ज को जानते हो कैसे निभाना है, ये आप अपने फर्ज को जानते हो। यही फर्ज अगर डॉक्टर लोग, उस औरत को अगर पता था कि ये 75 का एज का बंदा है, वो उधर कह भी रही है कि आप एक काम करो, आप इनको वहां लेके जाओ, यार अब मेरे मुंह से गंदी गालियां के निकल रही हैं, उनको इतनी शर्म नहीं आई कि अगर बंदा ऑक्सीजन मिल जाए, वो ठीक हो जाएगा, तो तुम उसे ऑक्सीजन दो ना। अगर मैं सब मीडिया वालों को बोलता हूँ, आप सब लोग सीडी अस्पताल जाओ, चेक करो कि ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर मैं गलत हूँ, फिर मैं माफी मांगता हूँ। अगर ऑक्सीजन वहां है तो फिर उन लोगों ने ऑक्सीजन को प्रोवाइड क्यों नहीं किया? मतलब आपके फादर की डेथ ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से? मेरे फादर की डेथ जो हुई है एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्या बोलते हैं गैर जिम्मेदारी की वजह से हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टरों की वजह से, डॉक्टर राजेश्वर की वजह से, ये जितने भी जो लोग वहाँ पर थे जिन्होंने मेरे फादर, मुझे 1.5 घंटा वहाँ वेट कराया, उसके बाद जब मैं मेडिकल कॉलेज यहाँ पहुँचा, यहाँ पर भी मेरे को प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया, मैंने उनको ये बोला कि भाई मेरे फादर, मैंने खुद बोला कि प्लीज़ कीप डिस्टेंस, डोंट कम टू मी, आई एम पॉजिटिव, मेरे फादर पॉजिटिव हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए, बट किसी ने वहाँ पर कोई अटेंड नहीं किया, किसी ने मेरी बात को नहीं सुना। सर एक सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह आपने कहा कि आपको प्रॉपरली वहाँ पर देखा नहीं गया, बिल्कुल, क्या लगता है कि आप जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक आम आदमी जा रहा है, क्या उसके ऊपर भी फेवरेटिज्म चलाया जा रहा है? सर मैं आपको एक बात बोलूँ, आज मैं आपको एक बड़ी ओपन सीधी बात बताता हूँ, जहाँ मेरे फादर की डेथ हुई जिस वार्ड में, उसके आगे अभी देखो, अभी जाओ आप मीडिया वाले, कोई 4-5 पुलिस के अफसर बैठे हुए हैं, कोई शायद कोई पुलिस का कोई अफसर है वहाँ पर, वहाँ पूरी फुल प्रोडक्शन है, वहाँ सब कुछ है, वहाँ जवान भी है, सब कुछ है, क्यों? क्योंकि कोई वो बड़ा आदमी है। एक गरीब आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए हॉस्पिटल एक कसाई घर से कम नहीं है। सर सबसे पहले कौन से हॉस्पिटल में गए थे? सीडी हॉस्पिटल में गए थे हम लोग सबसे पहले, और मुझे पूरा विश्वास था मेरा फादर ठीक हो जाना था 100%, क्योंकि मैं अपने फादर से बातें करता आया हूँ, कोई सिम्टम्स भी नहीं था। जब वो वहां पहुंचे, जब ऑक्सीजन उनका नहीं हुआ, गाड़ी बंद हो गई, डॉक्टर ने हमें लटका के रखा, पहले कोई आया नहीं, आधा घंटा कम से कम 40 मिनट में खाली घूम रहा था वहां पर, ड्यूटी पे कोई नहीं था, ऑन ड्यूटी पे कोई नहीं था, ना डॉक्टर ना अटेंडेंट, कोई नहीं था। फिर इनको बुलाया चीखे मार मार के, फिर जब लोग आए उसके बाद, एक मिनट सॉरी, पानी पीजिए, पानी पीजिए। नहीं रहने की वजह से ये शख्स है, मैं आपको बताऊं, तालाब के लोग के कहीं ना कहीं है, उनके परिजन होंगे, बता दें ये वो शख्स है जिनके फादर की ऑक्सीजन ना मिलने से मृत्यु हुई, और जरूरी है, बहुत जरूरी है, रोके मन, और रोके, ये भी व्यक्ति पॉजिटिव हैं, इनके परिवारजन के किसी का उपचार भी यहाँ चल रहा है।
पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर था और एक मैसेज भी दिया जा रहा था कि सब कुछ ठीक है यहाँ पर, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने परिवार के सदस्य का यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आम लोगों के लिए भी सेफ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सिटी हॉस्पिटल में या फिर यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉपरली उनको नहीं मिला। सर सबसे पहले मैं सिर्फ आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि क्या आज 10:30 बजे मैंने अपना बाप खोया जो अंदर पड़ा है इस वक्त, क्या वो झूठ है सच है ये बताओ? तो सच है झूठ है आपको जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ ना, आप तभी आए हो ना यहाँ पर। अब मुझे ये चीज़ बताओ कि अगर मेरी प्रॉब्लम नहीं होती, अगर मुझे दिक्कत नहीं आती, आपको क्या लगता है मैं ऊपर से लेकर नीचे तक मेंटल हूँ, पागल हूँ, मुझे किसी कुत्ते ने काटा है कि मैं जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करूंगा, मेरे को कोई बैन मिलने, मतलब या मुझे दिखाया कुछ और जा रहा है और असल कुछ हो रहा है, हकीकत मेरे साथ बीती है ना। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर दम है, अगर दम है, अगर आपको लगता है दम है, क्योंकि जिस तन जिस पे लगती है ना उसी को तकलीफ होती है, मेरे पे कोई तकलीफ की है, मेरा भाप गया है एडमिनिस्ट्रेशन की कमी की वजह से, इन लोगों की वजह से। आप रोज आके मीडिया वाले खड़े हो जाते हो, रोज आके सबको बोलते हो कि बताओ क्या सच क्या है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है या इनको प्रॉब्लम, यार प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम रहेगी। सर ऑक्सीजन की वजह से हुई है या उनकी नालायकी की वजह से? नालायकी की वजह से, ऑक्सीजन था, सब कुछ था। अगर वो लोग उस वक्त मेरे फादर को इमीडिएटली, सर कोई बंदा मेरे फादर को पकड़ने के लिए नहीं था वहां पर, आप मुझे बताओ किस बात की ये तंत्र सैलरी ले रहे 50,000 रुपया? मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मेरी कोई इनकम सोर्सेज नहीं, कोई कुछ नहीं है, मैं फिर भी लड़ रहा हूँ, मैंने फिर भी कोरोना को मात दिया, मैंने फिर भी कोरोना के साथ लड़ा मैं। अब देखना और 10 दिन के बाद मैं नेगेटिव आऊंगा, ठीक हूँ और फिर मैं लड़ूंगा समाज के साथ, उस वक्त मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। अगर आप सच्चे हो, अगर आप मीडिया ये कहती है कि हम लोग सच पे लड़ते हैं, हकीकत पे लड़ते हैं, तो प्लीज इस क्रांति को मरने नहीं देना। और मेरे फादर की मौत हो गई चलेगा, लेकिन किसी और की मौत नहीं होनी चाहिए। क्या उसके बाद किसी डॉक्टर्स ने कोई बात की? किसी ने बात नहीं की, कोई नहीं आया, एक एक कोई मेरे पास चल के नहीं आया, कुछ एक एक बंदा एक रिस्पेक्ट से बंदा माफी मांगता, सॉरी बोलता, एक वार्ड तक नहीं किसी ने मुझे बोला। सर जिस तरह से आप कह रहे हो कि आपके वार्ड के सामने भी वीआईपी सारे खड़े थे, क्या लगता है आपको वीआईपीओ के लिए सुविधा है आम लोगों के लिए? सर एक बात बोलूं, मैं आज आपको एक बात बोलूं, मेरा पुलिस के साथ आईजी डीजी बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मेरा दिल्ली तक उठना बैठना है, मैं एम्बेसडर तक बैठ के मैंने खाना खाया है। लेकिन आज मैं आपको हकीकत की बात बताऊं कि कहते ना जब तक आपका वास्ता नहीं है ना, आपका लिंक नहीं है ना, मिडिल क्लास का इंसान नहीं सर्वे कर सकता। हाँ वो तभी करेगा कि अगर गवर्नर जी मेरी अगर बात सुन रहे हैं, दम रखें और इन लोगों को जो नौकरियां कर रहे हैं इनको डंडा चढ़ाएं, इनको बताएं कि तुम लोगों को हम सैलरी किस बात की दे रहे, तनख्वाह किस बात की दे रहे, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा सुधार नहीं होगा। आज मेरे बाप की मौत हुई है, कल किसी और की बाप की, परसों किसी और की बाप की, ये मौतें रुकेंगी नहीं, ये इसका अंत नहीं होगा, इसका अंत तभी होगा ये